हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द प्रिंस सुमित और मैं आपको लेके आया हूं एक अनोखी जगह से। सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। पानी देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना। अब आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई इतना ब्यूटीफुल सीन जो है ये पुणे में कहाँ पे है, सो अब बात चल रही थी कि मैं कहाँ आया हूँ। तो मैं आया हूँ आत्मलिंगेश्वर महादेव, जो विश्रांतवाड़ी से कुछ ही दूरी पर है। एक ब्यूटीफुल सा मंदिर है और उसी के पीछे है ये पानी का ब्यूटीफुल वाला सीन। बस इवनिंग में यहाँ पे ना सनसेट देखने का मज़ा ही कुछ और है। कोशिश करूँगा एक दिन कभी फिर से आऊँ सनसेट देखने के लिए। तो फिलहाल तो हम आए थे महादेव जी के दर्शन लेने के लिए, तो अभी हम लाइन में लगते हैं। बहुत लंबी लाइन है, महाशिवरात्रि है तो ऑब्वियसली लाइन होगी। तो अभी हम लाइन में लगते हैं, महादेव जी के दर्शन लेंगे। बहुत सही जगह है, सो एक बार तो ज़रूर आना। वैसे पुणे में बहुत से महादेव जी के मंदिर है, फिर आप पातालेश्वर केव चल जाओ, बाणेश्वर मंदिर। वैसे ही ये भी एक बहुत ही सुंदर जगह है जहाँ आप आ सकते हो और रिलैक्स महादेव जी के दर्शन एकदम एकांत है। मज़ा आएगा आपको यहाँ पे आके, चैलेंज देता हूँ, मज़ा बहुत आएगा। अभी मंदिर देखो, मंदिर इतना ब्यूटीफुल है ना, छोटा सा मंदिर है लेकिन इतना मस्त से सजाया गया है ना, बहुत सुंदर है। आप भी देखो, चलो चलते हैं। इतनी सारी भीड़ है, अभी इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इस लाइन से मुझे जाना है। मेरे तो दर्शन बहुत अच्छे से होंगे महादेव जी के, भी दर्शन अच्छे से होंगे। और अगर आपको ये वीडियो लोकेशन दोनों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब वक्त आ गया विदा लेने का, लेकिन उससे पहले कुछ नए दोस्तों से मुलाकात कर लेते हैं। क्या नाम है तुझे? प्रणव गायकवाड़। प्रणव गायकवाड़। तुझे? योगिराज गुले। सो गाइस, ये थी आज की कहानी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो दिस इज सुमित साइनिंग आउट फॉर टुडे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू इंडिया शोर।